Hello students of class 3, today we are going to revise this chapter 11 from here to there. यहाँ से वहाँ the train यानी रेलगाड़ी. बच्चों ये चैप्टर आप पढ़ चुके हो और इसमें बहुत सारा आपने जाना भी था ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, सब कुछ आप इसके बारे में जान चुके हो. एक बार रिवाइज कर रही हूँ ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए. चलिए मैं इसे हिंदी में आज समझाऊंगी आपको. आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुप छुप करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूसरे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई न भागे, सारे सीधी लाइन में चलना, दोनों आंखें नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुप 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 रेलगाड़ी. बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, तड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, छुक 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 लाइट आती पर पार कर जाती, बालू रेत आलू का खेत, बजरा धान बुढ़ा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान. बच्चों ये कविता में आप क्या देख रहे हो कि रेल किस पे चलती है, रेल की जो आवाज होती है वो क्या होती है, कैसी होती है, और आप ट्रेन से बाहर क्या क्या देख रहे हो, कैसा इन्वायरमेंट है, और आप ये सब देख रहे हो कि सबसे पहले तो लाइट्स कैसे आती है कैसे जाती है ये वाला दिखा रहा है. उसके बाद से क्या बता रहा है आपको, खिड़की के बाहर बता रहा है कि क्या क्या सीन होता है, इन्वायरमेंट कैसा होता है, और ट्रेन की आवाज़ कैसे होती है, छुक छुक होती है, रेल किस पे चलती है. ठीक है, अब हम लोग आगे पे जाएंगे नेक्स्ट पेज 69 पे. रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, फूल पगडंडी पीले पे झंडी, पानी का कुंड पंछी का झुंड, झुकती झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी चुक 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 चुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक. बच्चों ये पोएम किसने लिखा है, हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने लिखा है, जो कि हिंदी का अंश है, हिंदी में लिखा गया था जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है. और इसमें इस कविता में हम लोगों ने जाना कि हमारे रेल की आवाज़ कैसी होती है, रेल किस पे चलती है, ट्रैक पे चलती है, और उसमें कैसे रोका जाता है, स्टेशन पे रोका जाता है, और ये ट्रेन से बाहर का इन्वायरमेंट कैसे होता है. अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 70 में आप जाएंगे तो यहाँ कुछ बच्चे अपना वेकेशन कैसे कहाँ जाते हैं, किस ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं वो बता रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. आप इससे पहले भी पढ़ चुके हो, यूट्यूब चैनल पे आपका अवेलेबल है सब कुछ ये वीडियो, आप एक बार वहाँ भी चेक कर सकते हो. और तुम्हें कुछ बच्चों से मिलवाएं और पता करें उन्होंने अपनी छुट्टी या कैसे बिताई. ये बच्ची क्या बोल रही है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी, रेलवे स्टेशन से उनके घर पहले तो बस से जाते थे. यहाँ पे क्या है बच्चों, पिक्चर देखिएगा किसका है, ये बस का पिक्चर है ना, से जाते थे. पर इस बार तो मजा आ गया, हम ये देखिएगा इसको क्या बोलते हैं, मेट्रो बोलते हैं. मेट्रो में बैठकर जमीन के नीचे सुरंग से होते हुए गए, सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर ये क्या है, कार सर पर भाग रही है. यहाँ पे इस लड़के का देखिए ये क्या बोल रहे हैं, मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब खाया पिया और खेले, बड़े भैया भी अमेरिका से आए थे. यहाँ पे देखिएगा बच्चों क्या चीज का पिक्चर है, एरोप्लेन का. एरोप्लेन में बैठकर सोचो तो अजीब लगता है, इतनी दूर से आए पर एक ही दिन में पहुंच गए. दुल्हन बनी बुआ को जब, ये बच्चों क्या चीज का पिक्चर है, डोली का. डोली में ले जा रहे थे, वह बहुत सुंदर लग रही थी. मैं अपनी नानी के घर केरल गई थी, वे वहाँ जहाँ रहती हैं आसपास पानी ही पानी है. उनके घर जाने के लिए घूम कर जाते तो स्टेशन से बस या टैक्सी, यहाँ पे देखिएगा क्या चीज का पिक्चर है, बस या टैक्सी ले सकते थे, पर हम सीधे नाव में गए. कुछ अजीब लगा पर अच्छा भी. ये वहाँ केरल में बच्चों जब पानी का जो एरिया होता है वहाँ पे फेरी चलता है, वो वहाँ का बता रही है. अब आपकी पेज नंबर 71 में पढ़ेंगे ये क्या बोल रहे हैं. हम लोग छुट्टियों में शिमला घूमने गए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों,
पर जब तेरे मेरे रास्तों से होकर बस चलती है तब नीचे देखकर बहुत डर लगता है। शिमला में हमें बहुत पैदल चलना पड़ा। मेरी दादी तो जल्दी ही थक जाती थी, हम उन्हें घोड़ा पर बिठा देते थे। मैं तो मजे से पैदल चलता था, थकता भी नहीं था। यहाँ पे देखिएगा बच्चों क्या क्या चीजों का यूज हुआ है। अब ये गर्ल्स क्या बोल रही है, गर्ल क्या बोल रही है देखेंगे। मेरी खाला तो मेरे घर के पास ही रहती हैं। जब भी खाला के पास जाने का मन करता है मैं झट अपनी ये क्या है साइकिल उठाती हूँ और पहुँच जाती हूँ उनके पास। माँ और छोटू देखिएगा, माँ और छोटू किससे जाते हैं, रिक्शा, ये क्या है रिक्शा है, पर बैठ कर नानी के घर जाते हैं। खाला को मौसी बोलते हैं, ये खाला वर्ड जो है वो उर्दू का वर्ड है और इसे हम मौसी भी बोलते हैं। यहाँ देखिएगा दूसरा क्या बोल रहा है, इन छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के गांव गया था। उनके गांव तक तो कोई बस ही नहीं आती जाती, लोग रेलवे स्टेशन से ब्लॉक में बैठकर लहलाते खेतों के बीच में से होकर गांव तक गए। मुझे तो बैलों की गले में बंधी घंटियों की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगा। यहाँ क्या था बच्चों, यहाँ बस का ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, बस से लोग जाना आना नहीं कर सकते, तो यहाँ क्या चलता था, बैलगाड़ी। ये गांव में चलता था बैलगाड़ी, बैलगाड़ी पे चलकर ये गया और उसमें जो बैल पे बंधी हुई घंटियाँ थी उसे सुन के से बहुत मज़ा आया। और भी हम लोग बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़े हैं और इसमें भी हम लोगों ने एक बार रिवाइज कर लिया है। इसी में आप देख लिए होंगे कि लैंड ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने पढ़ा, एयर ट्रांसपोर्ट भी पढ़ा और वाटर ट्रांसपोर्ट भी। लैंड में आपने देखा कि बस और कार्स है और एयर में क्या था, इसके जो ये थे बड़े भैया थे अमेरिका से जो आए थे वो क्या था, एरोप्लेन यानी एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ किए हैं। और जो ये लड़की बता रही है जो नानी के यहाँ जाते हैं केरला वाला, तो उसमें क्या है फेरी यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ हो रहा है। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, तीनों मोड ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना और भी हम लोगों ने जाना है कि कहाँ कहाँ कौन सा व्हीकल्स यूज होता है, जैसे एम्बुलेंस हुआ या फायर व्हीकल्स हुआ, ये सब कहाँ कहाँ यूज होता है। That's all for today. Stay home, stay safe.